हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो मैंने आज एक आपको कम्युनिटी सेक्शन में एक अपडेट दिया था कि ओडिशा में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसी साल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस के थ्रू मैंने आपको बताया है कि 2023 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल ओवर इंडिया लागू किया जा रहा है। 2030 तक ये पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा एंड 2 ईयर का जो बीएड है वो पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका इसके रिलेटेड जो भी डाउट है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपका जो भी डाउट है आप वहां पे पुट कर सकते हो। हम इसके बाद एक लाइव सेशन भी करेंगे, ठीक है, एक डेट फिक्स करके लाइव सेशन करेंगे जिसमें आपका जितना भी डाउट है ITEP रिलेटेड एंड 2 ईयर बीएड कोर्स का डिसकंटिन्यूएशन रिलेटेड, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला चीज ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ये RIECE के थ्रू जो आप एग्जाम देके जाते हो, RIE में जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करते हो उसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट वर्जन बोल सकते हो। कॉपी पेस्ट इन द सेंस, जैसा आपको RIE में एजुकेशन मिलता है सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह पे मिलेगा। लेकिन बात यह है कि RIE जो है NCERT का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल लेवल पे सिर्फ 4 RIEs हैं और 1 NE नेरी है। ठीक है, तो इसी चीज के वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक IITs एंड IITs बहुत कम नंबर में होते हैं, कॉलेजेस तो बहुत सारे होते हैं, IITs एंड IITs बहुत कम होते हैं, एम्स बहुत कम होते हैं। तो उसका जैसा लेवल होता है RIE का टीचिंग के फील्ड में वैसा ही लेवल है। ठीक है, एक और बार मैं आपको बताता हूं, एम्स का डॉक्टर बनने के लिए या फिर MBBS के लिए एम्स जितना इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग के लिए IIT जितना जो है इंपॉर्टेंट है, उसी तरह RIE टीचर बनने के लिए उतना इंपॉर्टेंट या उतना ज्यादा जो है तुम्हारा लेवल का होता है, उतना हाई लेवल पे होता है, क्योंकि ये NCERT का डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में भी ये वाला कोर्स जो RIE में चल रहा था 1963 से जो RIE में चल रहा था वो 2023 से ऑल ओवर इंडिया इसको लागू कर रहे हैं। देखो, अगर आप CUET को याद करेंगे तो CUET भी NEP 2020 का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, उसी का रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग CUET बना है एंड उसमें भी कुछ कुछ ITP कोर्स लागू किए गए। ओडिशा गवर्नमेंट इसी साल से इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा एंड बोस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है आपका सीट बहुत ज्यादा है। अभी हर एक मतलब कॉलेज में लगभग 100 सीट्स है, टोटल 14 स्टैंड अलोन डिग्री कॉलेजेस हैं ओडिशा में। ठीक है, और उसमें से 11 कॉलेजेस में 100 सीट है, BSc BEd BA BEd दोनों मिला के, BSc BEd का 50, BA BEd का 50, कुछ कुछ जगह पे BCom BEd भी है। ठीक है, तो BSc BEd BA BEd BCom BEd ये तीनों अवेलेबल है। ठीक है, और इसका जो टोटल मैं आपको सीट बताऊंगा तो 11 कॉलेजेस में आपका 1100 सीट हो गया और 3 मॉडल डिग्री कॉलेज जिसमें 50 पर ईच, मतलब 1250। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत पहले आपको अपडेट किया था। देखो, आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओडिया रे कोई पर भी मैंने आपण मानको, बट जेहेतु आमर सब्सक्राइबर ऑल ओवर इंडिया रो पिला देखु जंती जिंस सेतिबाय मोटा हिंदी रे कहू छी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अगेन। तो 1250 नंबर ऑफ सीट्स आर देयर ओके इन ओडिशा फॉर इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd BCom BEd और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका कि सिलेबस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि ये जो है NCT का अप्रूवल प्रोसेस में अभी है। अप्रूवल मिल जाएगा क्योंकि उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन का रिक्रूटमेंट भी चल रहा है, टीचर एजुकेटर का भी रिक्रूटमेंट अभी कुछ दिन बाद हो जाएगा, मई तक उसका भी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स प्रोफेसर सब वहां पे रिक्रूटेड हो जाएंगे और इसीलिए NCT का जो अप्रूवल भी मिल जाए, मतलब 1250 नंबर ऑफ सीट्स जो है आपको डेफिनेटली मिल रहा है। RIE में सिर्फ 50 सीट्स के लिए आप कॉम्पीट करते हो, वो भी ऑल ओवर ईस्टर्न जोन में, हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो आपका टोटल 14 जो है 50 सीट पर स्ट्रीम है, टोटल 1250 सीट्स आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, वेरी गुड न्यूज फॉर ओडिशा एस्पिरेंट्स। ओके, जो मैंने भी RIECE पे प्रिपेयर कर चुनती बा जो मैंने भी बीएड करिया पे चाहुचंती समस्तंग पे बहुत खुशी रो खबर। ओके, तो वी विल स्टार्ट ए कोर्स वेरी सून। ओके, एंड द एनरोलमेंट प्राइस ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज द कोर्स विल वी विल स्टार्ट द कोर्स
नाउ ऑनवर्ड्स हम अभी से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ओके, बिकॉज सिलेबस आने में कुछ दिन लग जाएगा, बट हमको अभी से प्रिपरेशन करना है। हम आरआई के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए भी जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसका प्रिपरेशन अभी से कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम के जो नज़दीक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोर्स प्राइस हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, बहुत ही कम रखेंगे, ठीक है। तो कोर्स प्राइस हम सिलेबस को देख के एग्जैक्टली फिक्स करेंगे, बट जो मुझे अनऑफिशियली जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। एंड बैच एनरोलमेंट प्राइस फॉर स्टूडेंट इज ओनली 300 रुपीज पर स्टूडेंट, आपको 300 रुपीज ओनली पे करने हैं एनरोलमेंट के लिए। बाकी एनरोलमेंट के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जब सिलेबस लॉन्च हो जाएगा तो जो एग्जैक्ट कोर्स प्राइस होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड स्टडी मटेरियल भी जो है आपको पहले पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल हम बना पाते हैं, ठीक है, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो आरआईसी का मटेरियल है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। जो आरआईसी का आप स्टडी मटेरियल हमसे लिए हैं, पढ़ रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्लियर। सो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ये जो मैं बैच एनरोलमेंट प्राइस बता रहा हूँ 300 रुपीज, इसकी ऑफर प्राइस है, इसका 15 जनवरी तक इसका इफेक्ट रहेगा। 15 जनवरी के बाद अगर कोई एनरोल करते हैं तो एनरोलमेंट प्राइस 500 रुपीज होगा। तो इसीलिए अर्ली एनरोलमेंट पे आपको 300 रुपीज ऑनली पे करने हैं, और 15 जनवरी के बाद 500 रुपीज। बाकी कोर्स प्राइस जो भी रहेगा वो हमको जो सिलेबस जब मिल जाएगा आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे। मैं आपको इतना गारंटी देके बता देता हूँ, कोर्स प्राइस जो ऑनलाइन क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज का 2000 रुपीज से कम ही रहेगा, ठीक है। एंड ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। हम जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे, आप जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, एनरोल करेंगे, उसी के हिसाब से प्राइस भी कम होगा। जितना ज्यादा एनरोलमेंट उतना कम प्राइस। एंड मैं एक चीज आपको प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पे, जैसे दूसरे यूट्यूब चैनल में आपको हजार हजार बच्चों को पढ़ाते हैं एक साथ, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आपको 100 स्टूडेंट पर बैच ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। हर एक बैच में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स होंगे, ताकि हम इंडिविजुअल गाइडेंस सबको कर सके। ये प्रॉमिस आपके लिए, मैं अनलिमिटेड नहीं बोल रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स पर बैच आपके लिए रहेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है जो कोर्स प्राइस रखेंगे 2000 से कम ही आपका कोर्स प्राइस रहेगा। 300 रुपीज एनरोलमेंट प्राइस है। एनरोलमेंट का मतलब है कि आप बैच में एडमिशन आपका हो जाएगा, एंड क्लासेस आप कर सकते हो, जब तक सिलेबस ना आ जाए तब तक आप क्लासेस कर सकते हो। सिलेबस आने के बाद फिर जो है हम आपका एग्जैक्ट जितना भी प्राइस होगा वो आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। क्लियर, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आईटीईपी कोर्स। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन द कोचिंग ऑल्सो, बिकॉज ये पहली बार ये वाला प्रोग्राम उड़ीसा में लॉन्च होगा, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एंड क्योंकि हम आरआईसी के लिए इतने दिन से प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, एंड सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम ये है, तो हम प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। बैच एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसमें आप जो है कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, 7327813135 इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है। एंड बैच एनरोलमेंट डिटेल्स आप जान सकते हैं, एंड फिर पेमेंट करके आप एनरोल्ड हो सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।